अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो जो बनाई जा रही है वो आपको बताया जाएगा पाकिस्तान में भी यूरो 5 जो है ना वो यूज़ होना शुरू हो गया है और PSO से अवेलेबल है। पेट्रोल अब हमने फिल करवा लिया है और पेट्रोल हो चुका है 104.47 मिनट पर, स्लिप भी हुई और मैंने 500 का डलवाया है, दे सकते हैं। अच्छा, वैसे मैंने यहाँ एक बात मेंशन करनी है कि पेट्रोल जो महंगा हुआ है उसकी रीज़न जो है ना सिर्फ मीडिया ने बताई है, जबकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये नहीं बताया कि महंगा या इसको बढ़ाया, इसकी प्राइस को क्यों गया। इसकी प्राइस वाकई 104.47 रुपये चली गई है, लेकिन इसमें जो बताने वाली बात ये है वो ये है कि अब पाकिस्तान में 1 अगस्त से जो पेट्रोल है वो यूरो 5 का यूज़ होगा। जो पाकिस्तान में पेट्रोल यूज़ होता था गाड़ियों के अंदर वो होता है यूरो 2, और यूरो 2 वो कैटेगरी है जो समझें कि दुनिया में गुरबत से नीचे जो ममालिक है ना वो इस्तेमाल करते हैं, और यूरो पाकिस्तान डायरेक्ट यूरो 2 से यूरो 5 में आया है, और पहले सेटअप होता है यूरो 3, यूरो 4 और यूरो 5, लेकिन पाकिस्तान यूरो 5 पर आया। और इसमें मीडिया का जो रोल है बहुत ही गंदा रहा है। मीडिया ने जैसे ही पेट्रोल प्राइस 31 जुलाई को इंक्रीज़ हुई है रात को, और ये कह दिया कि ईद पर आवाम के ऊपर जो है ना पेट्रोल बम करा दिया गया है, जबकि असल में जो है ना वो अगर 5 रुपये या 4 रुपये ये महंगा भी हुआ ना तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यूरो 5 की जो कैटेगरी जहाँ आपका इंजन यूरो 2 में 1 साल निकालेगा, यूरो 5 में वही आपका इंजन 3 से 4 साल चला जाता है, तो कैटेगरी अच्छी। इसके अलावा जो पेट्रोल है ना उसकी मियाद अच्छी आ जाती है, तो इसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को भी चाहिए था कि पूरा उनको क्लियर करते। मुझे भी ये रिसेंटली पता चला है पाकवील की वेबसाइट से, जब उन्होंने मेंशन किया कि पाकिस्तान में 1 अगस्त से जो है ना यूरो 5 जो है ना पेट्रोल PSO से मिलेगा। अब जो हाई ऑक्टेन है वो 110 दे रहा है PSO, इसके अलावा जो शेल है वो हाई ऑक्टेन दे रहा है 135, इसके अलावा जो टोटल है वो 126 रुपये पर लीटर के हिसाब से हाई ऑक्टेन दे रहा है, जबकि PSO जो है ना वो आपको 1 अगस्त से हाई ऑक्टेन 110 का दे रहा है, और इसके अलावा जो यूरो 5 है ना वो अवेलेबल है। इसके अलावा माइलेज भी अच्छी हो जाती है, दूसरा जो इंजन है ना वो आपका काफ़ी टाइम के लिए चलता है, क्योंकि यूरो 2 जो है ना वो बहुत ही लो क्वालिटी है पेट्रोल की, तो यूरो 5 जो है ना वो एक तो सबसे जो अहम बात है कि माहौल के लिए जो काफ़ी अच्छी है, तो एक अच्छा जो है ना इन्वायरमेंट क्रिएट होगा। कभी जो है ना एक जहाँ पॉजिटिव काम होता है उसको प्रमोट करना चाहिए, जहाँ नेगेटिव होता करना चाहिए। अब मीडिया को भी चाहिए था कि डिक्लेयर करते कि महंगा होने की वजह क्या है, क्लियर करते कि भाई यूरो 5 आ चुका है पाकिस्तान में PSO के थ्रू, इसके अलावा जो है ना आपको जो 2 नंबरी है जो है ना वो नहीं करनी चाहिए, मीडिया फला ये कर दो वो कर दो, महंगी होगी ये चीज़ होगी, तो जहाँ एक अच्छा स्टेप गवर्नमेंट ने लिया तो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, ये तनकीद बराए तनकीद। तो मुझे तो जो है ना काफ़ी अच्छा लगा यूरो 5, और इंशाल्लाह ताला आगे भी अब ये यूरो 5 से यूरो 7 भी जाए उम्मीद है, लेकिन ये कहते हैं कि 1993 के बाद जब से यूरो 2 आया हुआ है मार्केट में, 1993 या 1992 के बाद पाकिस्तान ने एकदम इसको चेंज, इससे पहले जितनी भी गवर्नमेंट आई हैं चाहे वो नवाज शरीफ की हो या पीपल पार्टी जो भी आई हैं या ये मुशर्रफ की हो, उनमें किसी ने भी इसकी तरफ तवज्जो नहीं दी, और तो अप्रिशिएट करना चाहिए जो काम अच्छा करता है। बाकी तरक्की जहाँ बनती हैं वहाँ करें, कोई शक नहीं है, लेकिन जो काम अच्छा हो रहा है जो चला रहे हैं गाड़ी उनको पता होगा कि यूरो 5 की वैल्यू क्या है। दिसंबर के अंत तक मैं पढ़ रहा था कि मार्केट में जो है ना डीजल के ऊपर भी यूरो 5 आ जाए। 31 जुलाई को आज फर्स्ट टाइम पेट्रोल अपनी गाड़ी में डलवाया, और उसके पहले मैंने इसको कन्फर्म भी किया कि वाकई क्या यूरो 5 PSO दे रहा है, तो उन्होंने भी कन्फर्म किया है कि यूरो 5 1 अगस्त से दिया जा रहा है PSO के लिए। बाकी का मुझे नहीं पता शायद टोटल और जो एक्टक वगैरह इनका मुझे नहीं पता, लेकिन PSO आपको प्रोवाइड कर रही है 24 आवर्स।